पूछा था कि एंथुरियम का केयर कैसे करें, कैसे उसको घर पे जब नर्सरी से लेके आते हैं तो उसको घर पे लाने के बाद उसका केयर कैसे करें, उसको कहाँ रखें, कैसे रखें जिससे कि वो घर पे लाने के बाद सर्वाइव कर जाए। एंथुरियम के केयर के लिए उसका नेचुरल हैबिटेट कैसा हो इसके बारे में जानना चाहिए ताकि घर में भी उसे वैसा ही इन्वायरमेंट दे सकें। यह वैसे जगह ग्रो करता है जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती हो और वातावरण में जो है वो नमी हो। हम लोग इंडोर प्लांट समझकर घर ले तो आते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है वो धीरे धीरे पत्ते ड्राई और क्रिस्प होकर के बढ़ने लगते हैं। जब हम इसे घर में किसी कमरे में रखते हैं तो कमरे का वातावरण जो है वो ड्राई होता है और इसे ड्राई वातावरण में बिल्कुल हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसके पत्ते का जो टिप है वो सूखने लगता है। तो आइए हम आपको यहाँ 4 टिप्स देंगे जिससे कि आप उसको फॉलो करके एंथुरियम के केयर के बारे में जान सकते हैं, एंथुरियम का केयर कर सकते हैं। सबसे पहला टिप क्या है कि ये जो पॉट है, पॉट के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको नमी रखने के लिए सबसे पहला टिप में हम इस तरह ट्रे में पानी भर के रखते हैं और उसके ऊपर ये इस तरह से स्टोन डाल देते हैं। पानी जो है वो इवेपोरेट होगा तो इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट रहेगा, इस आसपास जो एरिया रहेगा वो नमी वाला रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। नॉर्थ में जो बहुत ही गर्मी होती है, ड्राई वेव्स होता है, तो उस समय जो है इसके आसपास जो है वो बिल्कुल सूखा सा हो जाता है जिसके कारण जो इसका पत्ती जो है वो टिप से जो है इसको सूखने लगता है। इसलिए इसको जो है इसके आसपास का एरिया को जो है नमी बनाने के लिए आप इस तरह से ट्रे में पानी भर कर करके आप रख सकते हैं। इसको इस तरह रखने के बाद जो है इसमें मिस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। आप उसको सुबह शाम जो है इसमें मिस्टिंग कीजिए। जब ये बहुत ही आपका आसपास का एरिया ड्राई हो तो इसको मिस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है ताकि जो है इसमें हम बहुत ज्यादा पानी भी नहीं डाल सकते हैं। इसमें अगर बहुत पानी डालेंगे तो भी ये इसके पत्ते उस समय पीली पड़ने लगेगी। जब कम पानी डालेंगे तब इसकी पत्ती जो है वो क्रिस्प हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, बीच बीच से जो है वो जलने सा लगेगा। इसलिए इसमें जो है आसपास का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो नमी वाला होना चाहिए। तो इसको मिस्टिंग बहुत पसंद है इसलिए बीच बीच में जो है आप मिस्टिंग कीजिए, लेकिन इसमें एक बार पानी डालने के बाद फिर इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। एक दिन के बाद ही आप इसको पानी डालिए। इसमें जस्ट आप टच कीजिए, अगर भीगा हुआ है तो इसमें फिर पानी नहीं डालिए, लेकिन इसमें मिस्टिंग कीजिए। तो इस ढंग से प्लेट के ऊपर स्टोन रख करके आप जो है पानी डाल करके इसके आसपास का एरिया में जो है आप नमी बना सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप इस ढंग से, अगर आपके पास बहुत सारे पॉट हैं तो इस ढंग से नीचे में जो है आप कोई मोटा कपड़ा भिगा करके रख दीजिए। नर्सरी में क्या होता है कि नीचे मिट्टी होती है तो मिट्टी में जो पानी होती है वो इवोपोरेट होकर के इसके आसपास का एरिया को नमी बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही हम घर में लेके आते हैं तो हम स्टोन के ऊपर रखते हैं और स्टोन जो है वो गर्म हो जाता है और उसके आसपास का जो एरिया है वो ड्राई हो जाता है और जो पत्ती है वो खराब हो जाती है, क्रिस्प हो जाती है और प्लांट जो है वो मरने लगता है। तो इसके नीचे जो है आप इस ढंग से मोटे कपड़े आप डाल करके रख सकते हैं, उसको भिगा करके रख सकते हैं। आप इसी तरह जो भी मॉइस्ट लविंग प्लांट है जैसे कि ये बोस्टन फर्न है, ये ऑस्ट्रिच फर्न है, ये सभी फर्न जो है वो भी मॉइस्ट लविंग प्लांट है, तो इसको भी आप इसी ढंग से जो भी हम अभी टिप्स बता रहे हैं तो उसको भी आप इसी ढंग से रख सकते हैं जैसे कि मैंने रखा हुआ है। मैंने क्या किया कि इसमें नीचे में जो है मैंने एक मोटा सा कपड़ा डाला है और उसको भिगा के रखते ताकि इसकी जो नमी है इससे ये इसके आसपास का जो एरिया है वो मॉइस्ट रहे।
दूसरा क्या है कि इसमें मल्चिंग करना, इसके जो आसपास जो है आप ड्राई लीव्स से आप मल्चिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें मल्चिंग किया हुआ है इस ढंग से, ड्राई लीव्स जो है वो इससे आप यहाँ पर का इसको रख देंगे तो इसको कहते हैं मल्चिंग करना। तो ड्राई लीव्स आप यहाँ पे रख देंगे तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे प्लांट्स को जो है वो खाद भी मिलती रहेगी, जब ये सड़ेगा ड्राई लीव्स सड़ेगी तो इसको धीरे धीरे खाद भी मिलता रहेगा और ये आसपास का जो एरिया है वो भी मॉइस्ट रहेगा, नमी बना रहेगा। जब आप प्लांट नर्सरी से लेकर के आइए तो आप देखिए उसमें की जो मिक्स है वो कोकोपीट वाला मिक्स होना चाहिए, मिट्टी वाला मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस पॉट में आपको हम दिखाते हैं कि इसमें मिट्टी नहीं है, ये कोकोपीट है। कोकोपीट रहने से क्या होता है, ये मॉइस्ट ज्यादा दिन तक बना रहता है और मिट्टी में ये पूरा क्लॉग हो जाता है और ठीक से इसकी जो जड़े हैं वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाती है और उसमें मतलब उसमें नमी नहीं बनी रहती है। तो सबसे पहले तो नर्सरी से जो भी पॉट लेके आइए तो वो मिक्स जो है वो मिट्टी वाला नहीं लेके आइए, कोकोपीट वाला मिक्स लेकर के आइए जिससे कि ये नमी बनी रहेगी। शुरू शुरू में हम भी जब लेकर के आए थे प्लांट को तो उसमें मिक्स जो था वो मिट्टी वाला था और जिस कारण मेरे 2-3 प्लांट्स मेरे मर गए। अभी देखिए मैंने जो जब से मैंने ये कोकोपीट वाला प्लांट लेकर के आए हैं तब से देखिए कितने सारे कितने अच्छे ढंग से ये सरवाइव कर रहे हैं। ये मेरे प्लांट्स जो है करीब 7-8 महीने मतलब जनवरी में हम लेके आए थे इस प्लांट्स को, देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। पिंक वाली वैरायटीज है, देखिए रेड कलर का इसमें है, कितने खूबसूरत इसमें प्लांट जो है वो अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। इसलिए जब भी प्लांट लेके आइए वो कोकोपीट वाले प्लांट लेके आइए, उसमें मिट्टी नहीं होना चाहिए। अब एंथेरियम प्लांट को जो है बहुत सारे अदर प्लांट के बीच में रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मनी प्लांट के बीच में इस एंथेरियम प्लांट को रखा हुआ है। मनी प्लांट से भी जो है नमी होती है और इसमें जिसको जो पानी में मैंने रखा हुआ है इससे ये उसके आसपास का जो एरिया है वो मॉइस्ट बना रहता है। तो आप एलोन मत रखिए, अकेला मत रखिए एंथेरियम को, उसको और अदर प्लांट के बीच में रखिए। तो सबसे आसान है कि मनी प्लांट को पानी में ग्रो कर करके इसके बीच में आप इसको रख सकते हैं। बहुत सारे प्लांट है तब तो आप नीचे में जो है जैसे मैंने बताया कि मोटे कपड़े रख कर करके आप उसके बीच में रख सकते हैं। यदि एक ही दो प्लांट है तो आप उसको अदर प्लांट के बीच में रखिए, अकेला नहीं रखिए क्योंकि अकेला रहने से उसके आसपास का जो एरिया होता है वो ड्राई हो जाता है। तो आप अदर प्लांट के बीच में रख सकते हैं जैसे कि मैंने इसको रखा है। इसको आप बीच बीच में जो है मिस्टिंग तो करना ही है, इसमें आप बीच बीच में मिस्टिंग कीजिए तो ये खूबसूरत भी लगेगा और इसमें जो आसपास का एरिया है वो उसमें भी नमी बना रहेगा। एक टिप्स और है जो कि मैंने माँ से सीखा है, माँ तो एंथेरियम तो नहीं रखती है लेकिन वो पान के पौधे में जो पान भी जो है वो नमी लविंग प्लांट है, तो वो क्या करती है कि दोपहर में नॉर्थ में दोपहर में बहुत गर्मी होती है और बहुत लू चलती है, ड्राई वेव्स चलता है, तो उस समय पान के पौधे को वो बचाने के लिए पतले कपड़े को वो भिगा करके कॉटन के पतले कपड़े को भिगा करके प्लांट के ऊपर रख देती है और फिर इवनिंग में हटा देती है जिससे कि वो जो है प्लांट जो है वो बचा रहता है गर्मियों में भी। तो आप यहाँ पर भी वो कर सकते हैं, वैसे बैंगलोर में उतनी गर्मी नहीं होती है लेकिन अगर आप नॉर्थ में रहते हैं जहाँ की दोपहर में बहुत गर्मी होती है तो उस समय आप इसी मेथड को अपना करके आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। पतले से कॉटन कपड़े को भिगा करके आप प्लांट के ऊपर उड़ा दीजिए जैसे ताकि जो है वो उसका आसपास का एरिया जो है वो नमी बना रहेगा। ये जो मेथड है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है आप किसी भी मॉइस्ट लविंग प्लांट के साथ ये टिप यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास बॉस्टन फर्न है, ऑस्ट्रिच फर्न है, तो हम उसको भी इसी ढंग से इसी मेथड से इसको हम सर्वाइव रखते हैं।
और अब जाते जाते आपको इसका फर्टिलाइजर के बारे में भी बता देते हैं। इसमें क्या करना है कि एनपीके का 19:19:19 रेशियो का जो है आप एक स्पून में 1 लीटर पानी में घोल कर करके इसके पत्ते पर और मिट्टी में डाल सकते हैं। इसे आप महीने में एक बार डाल सकते हैं तो इसमें जो है आपको फूल जो है सालों भर मिलती रहेगी। ये मेरा बहुत फेवरेट प्लांट है। शुरू शुरू में मेरे एक दो प्लांट तो मर गए थे क्योंकि मुझे उसमें पता नहीं था कि किस ढंग से प्लांट मुझे नर्सरी से लेके आने हैं। तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे इसको रखना चाहिए, कैसे इसका देखभाल करना चाहिए। इसलिए मेरा प्लांट जो है सालों भर रहता है और फ्लावर जो है कभी कभी 6-7 महीने इसको अगर अच्छे से केयर किया जाए तो मेरे फ्लावर जो है 6-7 महीने तक जो है एक जैसे ही रहते हैं। पहले भी हम एंथुरियम के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, उसमें हम केयर और रिपोर्टिंग के बारे में मैंने बताया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।